कुशीनगर में प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण मंदिर का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पहुंचे हैं और ये जो अवसर है ये बेहद खास है क्योंकि ये पहला अवसर है जब बुद्ध जयंती को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर आए हैं। और बुद्ध पूर्णिमा का वैश्विक बौद्ध जगत में विशेष महत्व है। इसी दिन लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध को निर्वाण भी इसी तिथि को प्राप्त हुआ था और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुई थी। तो बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुशीनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी नीरज, बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुशीनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरह देखते हैं बेहद महत्वपूर्ण दिवस और प्रधानमंत्री की ये यात्रा? ज्ञान प्राप्त हुआ और तो कुशीनगर भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर का दौरा करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। और कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विशेष तरह के आयोजन देखने को मिलते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु भी इन समारोह में शामिल होते हैं। ये पहला अवसर है जब बुद्ध पूर्णिमा की पावन तिथि पर कुशीनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नीरज, कुशीनगर आना वो भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक बेहद विशेष यात्रा प्रधानमंत्री के लिए भी। बिल्कुल विशेष है और अगर आप बौद्ध धर्म की दृष्टि से भी देखें तो इस स्थान का खासा जो महत्व है क्योंकि यहीं पर भगवान को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और ये स्थान उनको काफी कह सकते हैं कि अच्छा लगता था और जब वर्षावास में भगवान कुछ जगह जगह तीर्थ टन के लिए निकलते थे तो ये स्थान ऐसा था जहाँ पर दो बार उन्होंने वर्षावास किया है जो करीब 3 महीने का होता था और उस वर्षावास में वो यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनको उपदेश देते थे। बुद्ध धर्म के बारे में जो बातें हैं वो बताते थे। यही कारण है कि इस स्थान का काफी महत्व है और इस समय अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री परिनिर्माण जो मंदिर है वहां पर पहुंचे हैं और ये मंदिर है जहां भगवान बुद्ध की एक जो शैया की जो मूर्ति है वो मौजूद है 19.5 फीट के करीब और जिसमें भगवान बुद्ध दाहिने करवट लिए पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए लेटे हुए हैं। उनका सिर उत्तर में है और पैर दक्षिण में है और खास बात यह है कि इस मूर्ति की जो स्थापना है वो हरिबल नाम के एक उपासक ने की थी और काफी मान्यता है इस स्थान की। और इसके आसपास अगर आप देखें कि बुद्ध सर्किट जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बुद्ध सर्किट को जोड़ने के लिए तेजी से काम किया है, लुम्बिनी से आप देखें बोधगया से सारनाथ, सारनाथ से आप कुशीनगर देखें, एक पूरा चक्र है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध पैदा हुए, बोधगया में जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जहां उन्होंने उपदेश दिए अपने प्रवचन दिए और उसके बाद जो कुशीनगर जहां पर उनको
महापरिनिर्माण प्राप्त हुआ, तो उस दृष्टि से देखें तो बौद्ध धर्म की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण। और भगवान बुद्ध पहले ऐसे कह सकते हैं कि दार्शनिक थे, या कह सकते हैं कि ऐसे संत थे कि जिन्होंने दर्शन के साथ साथ व्यावहारिक जो ज्ञान है उस पर ज्यादा फोकस किया था। उनका अगर आप बौद्ध दर्शन देखें जी, उसमें व्यवहार पर ज्यादा फोकस है, और यही कारण है कि उन्होंने मध्यम मार्ग का जो उपासना है या मध्यम मार्ग का जो संदेश है वो पूरी दुनिया को, उन्होंने कहा था कि जब दुनिया में दुख है तो उसका कारण भी है, दुख का निदान भी है, और वो निदान है वो आठ अष्टांगिक मार्ग है जिनके द्वारा आप निदान कर सकते हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, संयमक व्यायाम, संयम स्मृति और संयम समाधि। तो ये आठ अष्टांगिक मार्ग उन्होंने जी जी बिल्कुल ये हम देख सकते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
तो ये सीधे दृश्य हम देख रहे हैं कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और भगवान बुद्ध को चीवर भी समर्पित किया। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नीरज, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और भगवान बुद्ध को उन्होंने चीवर भी समर्पित किया है। एक बेहद विशेष दिन और इस दिन ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसे चीवर दान करते हैं और बुद्ध धर्म के अंदर इसका विशेष महत्व है। आपने देखा होगा कि सांसारिक सुखों को त्याग करके भगवान बुद्ध मात्र एक कपड़े के साथ ही जो धार्मिक जो यात्रा है उस पर निकल गए थे, और उसका मकसद भी यही था कि आप सांसारिक सुखों से दूर रहें, मात्र एक कपड़ा ऐसा जिससे आप अपने शरीर को ढक सकें, वही चीवर जो दान है वो कहलाया जाता है। और आज प्रधानमंत्री ने उसकी प्रतिमा को चीवर दान दिया, और इसके साथ साथ ही एक संघ दान का भी एक प्रावधान है, जिसमें जो भिक्षु वर्षा वास के समय जब रहते थे और जो कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाते थे, क्योंकि ना तो कनेक्टिविटी होती थी वर्षा की वजह से, तमाम जो रोड है वो बंद हो जाते थे, कच्चे रोड होते थे, इसके अलावा जो नदियां थी जिनसे नौका गमन होता था वो वर्षा के कारण या तूफान या जो बाढ़ है उसके कारण वो भी बंद हो जाता था। तो उस काल में 3 महीने के करीब जो भी बौद्ध भिक्षु होते थे या बौद्ध धर्म के प्रचारक होते थे वो एक स्थान पर रुककर ही जो तमाम अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते थे, तो उस समय संघ का दान किया जाता था ताकि जो लोग हैं वो भिक्षुओं को दान दे सके, उनके अन्न जल का जो इंतजाम है वो कर सके। तो इस दृष्टि से